ताज नगरी आगरा की सेंट्रल जेल में बंद कैदियों के जीवन में सुधार के लिए और उन्हें अच्छे मार्ग पर चलाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने आध्यात्मिक का सहारा लिया है। पहले सरकार द्वारा जेलों में गायत्री मंत्र की शुरुआत की गई थी और अब कैदियों को गीता के उपदेश से अवगत कराया जाएगा। उन्हें अपने चरित्र में बदलाव लाने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। इसके लिए अब जेलों में गीता बैंक की स्थापना की गई है और इसकी शुरुआत आगरा के केंद्रीय कारागार से कर दी गई है। प्रदेश में पहला गीता केंद्र आगरा के केंद्रीय कारागार में बनाया गया है। गोस्वामी जी यहाँ पर पधारे हुए हैं, जो गीता यात्रा निकालते हैं, उस गीता यात्रा कार्यक्रम में राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली जो बंधुता की मांग है हमारी प्रस्तावना में, उसको स्थापित करने के लिए अभी यहाँ पर खिचड़ी सहभोज के बाद वो एक प्रवचन कार्यक्रम का यहाँ आयोजन किया गया है, ताकि हमारे बंदियों का नैतिक एवं चारित्रिक कल्याण और उत्थान हो सके और खिचड़ी सहभोज के माध्यम से उनमें एक समरसता का भाव विकसित होकर, न कोई ऊँच हो, न कोई नीच, न कोई न बड़ा न छोटा, ये उद्देश्य है इस कार्यक्रम। हम लोगों ने 23 वर्ष पहले 13 मई 1999 को एशिया की सबसे बड़ी जेल कारागार तिहाड़ के अंदर अपराध मुक्ति वैचारिक क्रांति अभियान का संघनाद किया था, चरित्र निर्माण योजना चालू की थी और भगवत गीता को उसको आधार बनाया था। उत्तर प्रदेश के अंदर 2002 से भगवत गीता के माध्यम से अपराध मुक्ति वैचारिक क्रांति अभियान चल रहा है। कारागार के साथ ही पुलिस प्रशासन के अंदर और न्यायपालिका के अंदर, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर और समाज के अंदर एक लोक चेतना विकास अभियान लोग चला रहे हैं। ये सारे जो अपराध की जड़ है या जितने भी समस्या है, आतंकवाद है, अलगाववाद है, अराजकता है या महिला उत्पीड़न है, उस सबके पीछे चेतना का अविकसित होना है और चेतना का विकास भगवत गीता के ज्ञान बिना संभव नहीं है। इसलिए अपराध मुक्ति का ये शंखनाद है और कारागार अपराध मुक्ति का सबसे बड़ा केंद्र है, इसकी लेबोरेटरी है, इसी को आधार बनाकर भगवत गीता बैंक की स्थापना आज उत्तर प्रदेश के अंदर इस कारागार से हम लोग कर रहे हैं। 101 भगवत गीता दान की, लोगों से दान ली और यहाँ बंदियों को भी देंगे और हम ये योजना बना के चल रहे हैं कि बाहरी प्रशासनिक अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को, शिक्षकों को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को, उन सबको भगवत गीता यहीं से देंगे और जिनके उत्सव हैं, जन्मदिन वगैरह हैं, दूसरी खुशियां हैं, वो उस अवसर पर यहाँ गीता दान दें और यहीं से गीता जाएगी और आगरे के अंदर एक बहुत बड़ा अभियान चालू होगा, अपराध मुक्ति अभियान, और ये जेल और गीता के माध्यम से चालू होगा।